तो भाई हमारी आंकड़ों के साथ खेलने की जो सीरीज़ है वो चालू है। ये तीसरी सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम सेंट्रल टेंडेंसी की तीसरी वैल्यू मीडियन यानी माध्य के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार बच्चों, और आपका स्वागत है भाई का मैथ चैनल में। तो पहला ही क्वेश्चन मेरा है कि मीडियन, मीडियन क्या है, व्हाट इज़ माध्यक। तो माध्यक क्या है, तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। ठीक है, तो इसको मुझे मीडियन फाइंड करना है तो इसको दो हिस्सों में बांट लेता हूँ। पहला पहले मैं बात करेंगे अनुग्रुप डाटा की। तो जब भी आपको मीडियन फाइंड करना है उसके लिए एक हमेशा एक कंडीशन रहेगी। वो कंडीशन देख लेते हैं, वो की कंडीशन क्या है यानी शर्त। वो शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपको सबसे पहले अरेंज करना है, फर्स्ट अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन यानी ऑल नंबर, ऑल नंबर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, वो यानी जो भी नंबर आपको गिवन हो उनके बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 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 बड़ा, ऐसे लिखना है। ये उसकी कंडीशन रहेगी, बगैर इस कंडीशन के आप मीडियन फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारे जो नंबर हैं वो दो तरीके के नंबर मिल सकते हैं, यानी या तो वो मिलेगा मुझे ऑड मिलेगा या फिर मुझे वो इवन मिलेगा। तो ओड के लिए जो मेरा फार्मूला है, ओड के लिए फार्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन टू एथ टर्म। यानी जो मेरी जो टर्म होगी, ये वाली जो टर्म है वो मेरा नंबर होगा, और इवन के लिए हमें वो जो फार्मूला होता है वो होता है एन बाई टू एथ एंड एन अपॉन टू प्लस वन एथ। जो टर्म है हमें उसकी एवरेज निकालनी होती है। एवरेज यानी अगर मैं एवरेज को अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहूँ, या तो एवरेज लिख सकते हो आप, या फिर इसमें ऐसे कर सकते हो, दो नंबर की एवरेज निकालनी तो मैं इसमें प्लस करके अपॉन में टू भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो एन है, इस एन का मतलब है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कुल कितने आंकड़े यहाँ पे गिवन है। और अगर मैं ओड को हिंदी में बोलूँ तो उसको बोलते हैं विषम संख्या, विषम, और इवन के लिए मैं बोलता हूँ सम संख्या। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मेरे पास वो क्वेश्चन है, उसके कुछ आंकड़े गिवन है, 2, 4, 5, 2 और 1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या चीज़ याद रखनी है, कि जो कंडीशन है उस कंडीशन को रखना है कि फर्स्ट अरेंज ऑल नंबर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। तो लार्जेस्ट ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे 1, 2, 2, 4 एंड 5। फिर हम पता लगाएंगे कि मेरे पास वो जो टोटल जो नंबर है वो ओड है या इवन है। तो मैंने गिने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो एन मेरा कितना है, यहाँ पे 5 है, 5 है, तो दैट इज ओड नंबर। तो ये क्या है, एक ओड नंबर है। अब ओड नंबर के लिए मेरा फार्मूला क्या होगा, एन प्लस वन। तो मीडियन जो मेरा होगा वो क्या होगा, मीडियन के लिए मैं यूज करूँगा एन प्लस वन ओवर टू थ टर्म। तो ये मुझे टर्म फाइंड करनी है। तो एन कितना है मेरा, एन यहाँ पे है मेरा 5, तो 5 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो टर्म, तो 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 2, यानी जो मेरा है थर्ड टर्म मेरी आंसर होगी मीडियन के लिए। तो ये थर्ड टर्म चेक करूँ मैं, तो थर्ड टर्म क्या है मेरी 1, 2, 3, यानी जो मेरा 2 है वो क्या है मेरा, यानी जो मैंने अरेंज किए थे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, वो जो 2 है, 2 इज़ माई मीडियन फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक बार इवन नंबर के लिए भी एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उसको कंडीशन को ध्यान रखूँगा और उसको अरेंज करूँगा। तो अरेंज कर लेते हैं, तो 1, 2, 2, 4, 5 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ पे पता लगाऊँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n इक्वल टू क्या है, 6 है, दैट इज़ इवन नंबर। यानी जो मेरा ये 6 है इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा। तो यानी मीडियन इक्वल टू, तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन टू एथ, एन अपॉन टू एथ प्लस एन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ अपॉन टू। अगर चाहो तो इसको आप अलग अलग सोल्व करके भी इसकी एवरेज निकाल सकते हैं, बात वही है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो एन कितना है हमारा, यहाँ पे 6 है, 6 अपॉन 2 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगी थर्ड, थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म प्लस 6 अपॉन 2 थर्ड प्लस 1, यानी क्या हो जाएगी, वो फोर्थ टर्म हो जाएगी मेरी। ठीक है, अपॉन 2, तो थर्ड टर्म कितनी है मेरी,
तो थर्ड टर्म है मेरी 1, 2, 3, सेकंड 2 है, और जो फोर्थ टर्म है वो मेरी फोर्थ है, ठीक है, अपॉन 2। तो इसको सोल्व करूँगा मैं, तो 2 + 4 = 6/2, 6/2, यानी इसका जो मेरी है जो 3 है जो वो मेरा क्या है मीडियन है इसका, इस क्वेश्चन का। तो अब हम फाइंड करना सीखेंगे मीडियन, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल का मीडियन सीखेंगे जो ग्रुप डाटा के अंदर आता है। तो सबसे पहले उसका फार्मूला आता है L + n/2 - CF / F × H, ये मेरा फार्मूला होता है। तो इसको एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले L जो होता है, L होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये चीज़ें मैंने जो इसको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने मीडियन मोड और मीन क्या होता है उसमें अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो हमारा सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, यानी जो भी आपकी जो मीडियन क्लास आई है उसमें पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी सी एफ यहाँ पे ट्रीट होगी, और एफ जो होती है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, एफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्वेश्चन के द्वारा ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। एच होता है उस मीडियन क्लास का डिफरेंस, यानी क्लास साइज, एक प्रकार से मीडियन क्लास का जो क्लास साइज होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसमें सी एफ फाइंड करनी मुझे, तो क्यूमुलेट एक वर्ब होती है उसका मीनिंग होता है जोड़, ठीक है, तो सी एफ है तो क्यूमुलेट एफ को क्यूमुलेट करना है। तो क्यूमुलेट करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले 2, फिर इसमें मैं 3 को ऐड करूँगा, यानी 2 + 3 दैट इज 5, ठीक है, फिर 5 में मैं 8 को ऐड करूँगा, यानी 5 + 8 दैट इज 13, फिर मैं 13 में 6 को ऐड करूँगा, 13 + 6 दैट इज 19, फिर 19 में मैं 6 को ऐड करूँगा, 19 + 6 तो ये हो जाएगा मेरा 25, फिर 25 में मैं 3 को ऐड करूँगा, 25 + 3 दैट इज 28, और फिर 28 में मैं लास्ट को ऐड करूँगा, 28 + 2 दैट इज 30। तो ये हमारी क्लास इंटरवल की ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब आपको पता लगाना है कि आपकी जो मीडियन क्लास कौन सी है, तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, n/2 करोगे। तो n कितना है यहाँ पे, n उसका टोटल है 30, यानी इसी का सम करके किया है, तो इसको ऐड करोगे तो ये आपका, हालांकि इसमें आपका जरूरत नहीं है सिग्मा एफ आई लिखने की, तो इसको ऐड कर लेते हैं, दैट इज 30। तो जो आपका एक चीज़ और है, जो आपका जो मीडियन होता है, हमेशा मीडियन जो होता है आपका क्लास इंटरवल के अंदर होता है, और जो n/2 होता है वो आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो n/2 निकालते हैं, तो n/2 n कितना है हमारा 30 / 2 दैट इज 15। तो 15 आपको चेक करना कि 15 कहाँ पे आएगा, तो 15 डेफिनेटली मेरा इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा, तो मेरी जो मीडियन क्लास है वो ये मेरी मीडियन क्लास आ जाएगी एक प्रकार से, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेते हैं, तो इसमें क्या है मेरा, तो L हमारी 55, L मेरी 55 हो जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, n/2 मेरा 15 आ चुका है, CF मेरा कितना है 13, मेरा ये CF है मेरा, ठीक है। H कितना है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, तो 60 - 55, तो H मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, H इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 - 55, क्लास साइज मेरा कितना है यहाँ पे 5 है, और जो F मेरा कितना है, ये मेरी F हो जाएगी, ठीक है, 6। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, सोल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो L कितना है मेरा 55 है, प्लस n/2 मेरा कितना था, n/2 था मेरा 15, माइनस CF मेरा कितना है 13, अपॉन F कितना है मेरा 6, और H कितना है 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55, ठीक है, तो 55 + 2 × 5 = 10, 10/6, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूँगा, 55 + 10 को 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1.67, तो इसको ऐड करूँगा तो 56.67 इज़ माई
आंसर मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं इसी का। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, सबसे पहले मैं उसका सीएफ निकालूंगा। तो सीएफ कैसे निकालते हैं, फाइव प्लस एट तो ये मेरा आ जाएगा 13 में फिर 20 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 33 में फिर मैं ऐड करूंगा 15 को तो ये हो जाएगा मेरा 48, फिर 48 में मैं ऐड करूंगा 7 तो ये आ जाएगा मेरा 55 और 55 में मैं ऐड करूंगा 5 को तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये जो है ये हमेशा इसी का सम है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। इसी को एक बार चेक कर लेते हैं, 5 और 8 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48, 48 और 7 55, 55 और ये 60 तो ये एक प्रकार से इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो आप कैलकुलेशन को फर्दर सॉल्व मत कीजिए, उसी को चेक कीजिए पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, हम सबसे पहले करते हैं n बाई टू। तो n हमारे यहाँ पे कितना है, 60 है, तो 60 ओवर 2 तो ये है मेरे पास 30। तो 30 n बाई टू, अब मैंने क्या बताया था आपको, जो n बाई टू होता है वो सी एफ के अंदर होता है और जो मीडियन होता है वो आपका हमेशा क्लास इंटरवल में होता है। तो 30 कहाँ पे आएगा, 33 के अंदर आएगा। तो आपकी जो क्लास इंटरवल है एक प्रकार से ये पूरा ये स्ट्रक्चर आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको चेक करना L होती है जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, यानी L हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारी 20 हो जाएगी। फिर हमें n बाई टू मेरा 30 आ चुका है, CF मेरा कितना है 13, ये मेरा CF है। ठीक है, नेक्स्ट H, इनका जो क्लास साइज, इनका जो डिफरेंस होता है वो मेरा एच होता है। एच यानी थर्ड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी मेरा कितना आ जाएगा 10 और एफ मेरे ये है 20। तो इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो जो हमारा मीडियन आएगा वो डेफिनेटली इस 20 और 30 के बीच में ही आएगा। तो चेक करते हैं कि हमारा जो मीडियन है वो क्या रहा है। तो एल है हमारा 20 प्लस n बाई टू कितना है मेरा 30 माइनस सीएफ कितना है मेरा 13, ठीक है, अपॉन एफ कितना है मेरा 20 और एच कितना है, अभी एच मैंने फाइंड किया 10। ठीक है, तो 0 से 0 कट रहा है ये, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 13 माइनस 13 तो ये आ जाएगा आपका 17 अपॉन 2। इसको डिवाइड करूँगा तो ये 8.5 समथिंग आएगा। तो आपका जो मीडियन आएगा वो आएगा 28.5। जो आपकी मीडियन क्लास है वो मीडियन उसी के अंदर आना चाहिए, यानी जो 28.5 है वो 20 और 30 के अंदर ही है।